होरिया, अब तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अब फर्रुख भाई नहीं रहे, तुम्हें अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों के फर्ज अदा करने होंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मुश्किल का लफ्ज अपनी जिंदगी से निकाल दो। अब तुम्हें हर महाज पर तन्हा लड़ना होगा, और सबसे मुश्किल जंग माशरे से होती है। इतना प्यार करने वाला शोहर चला जाएगा, सोचा भी नहीं था। और ये सब कुछ मेरे साथ होगा, ये भी नहीं सोचा था। तुम अब इस बारे में ज्यादा ना सोचो, खुद पर और अपनी बेटी पर तवज्जो दो। खुश रहा करो वरना बीमार पड़ जाओगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि फर्रुख के साथ सारी खुशियां चली गई। आपकी बहन कैसी है? उम्मीद है बेहतर होगी। पहले से बेहतर है, लेकिन इतने बड़े सदमे से रिकवर करने में टाइम तो लगेगा ना। सही कह रहे हैं, जरा जल्द ठीक हो जाएगी। खुशकिस्मत हैं जो कि आप उनके साथ हैं। ख्याल रखने वाली काबिल बहन हर किसी के साथ नहीं होती। मैं तो हर वक्त मसरूफ होती हूँ, लेकिन घर वाले कोशिश करते हैं कि उसका दिल बहलाए। सही करते हैं, आप भी कोशिश करें कि उन्हें मसरूफ रखें, उनका ध्यान बटा रहेगा। है अपनी बेटी के साथ तो काफी मसरूफ रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बेटी उसके पास है। औलाद तो खुदा की नेमत होती है। औलाद की वजह से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर लेता है। हाँ, आर्य की पैदाइश के बाद मैंने भी काफी चीजों के साथ समझौता करना सीख लिया था। औलाद की मोहब्बत बाकी सारे रिश्तों की मोहब्बत पर हावी हो जाती है, और यही मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है और वो मजबूर हो जाता है। इंसान कमजोर हो, बहादुर हो, मजबूर हो, कुछ फैसले इंसान को वक्त पे ले लेने चाहिए, वरना अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करता है। मेरी क्लास का वक्त हो गया है, मैं चलता हूं। नहीं नहीं शफकत साहब, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी उस बेवा का हक है, जितना वक्त पर दिया जाएगा उतना ही सवाब का काम होगा। आप प्लीज इसको मजीद डिले मत करें। जी 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 जी, मैं सिग्नेचर्स कराया हूँ, आप फाइल फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू।